सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रास्ता वर्ल्ड। तो गाइज आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इस साल के म्यूनिशन चैम्बर के बारे में। तो गाइज इस वीडियो पे देखेंगे इस साल म्यूनिशन चैम्बर के जो जो मैच कंफर्म हो चुके हैं और उनके रिजल्ट्स भी हम जानेंगे इस वीडियो पर। लेकिन इसमें मेरे कोई अपने प्रेडिक्शंस नहीं होंगे, इसमें हम देखने वाले हैं बैटिंग आउट के हिसाब से जिस सुपरस्टार की जीत होने वाली है मैचेस में। तो गाइज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला मैच जो कि होने वाला है वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इमिनेशन चैम्बर के अंदर द मिज एंड जॉन मेसन पर्सन उसर्स पर्सन न्यू डे पर्सन हैवी मशीनरी पर्सन टॉप जेल एंड रोबोट रूड पर्सन लूचा हाउस के बीच में। और इस मैच में फायरपेट है द मिज एंड जॉन मेसन प्लस 125 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आते हैं उसर्स प्लस 160 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आते हैं न्यू डे प्लस 200 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आते हैं हैवी मशीनरी प्लस 2000 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आते हैं टॉप जेल एंड रोबोट रूड प्लस 2500 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आते हैं लूचा और स्पार्टिस प्लस 3300 पॉइंट्स के साथ। अगला मैच होने वाला है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एंड्रादे पर्सन हम्बर्टो कैरियो के बीच में। और इस मैच में फायरपेट है हम्बर्टो कैरियो माइनस 110 पॉइंट्स के साथ और वहीं एंड्रादे को मिले माइनस 130 पॉइंट्स। अगला मैच होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट पर्सन सेट रॉलिंस एंड बडी मर्फी के बीच में। और इस मैच में हाईली फेवरेट स्ट्रीट प्रॉफिट्स माइनस 250 पॉइंट्स के साथ और वहीं मिले सेट रॉलिंस और बडी मर्फी को प्लस 170 पॉइंट्स। अगला मैच होने वाला ब्राउन स्ट्रोमैन पर्सन शिंसुके नाकामुरा सिजारो एंड सेमी जैन के बीच में। और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक हैंडीकैप मैच होने वाला है। इस मैच में भी हाईली फेवरेट ब्राउन स्ट्रोमैन है माइनस 500 पॉइंट्स के साथ और वहीं शिंसुके नाकामुरा सिजारो एंड सेमी जैन को मिले प्लस 300 पॉइंट्स। अगला मैच होने वाला वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच, जो भी मैच को जीतने वाले वो डैड फेस करेगी बैकी लिंच को रसोमिना के अंदर। और ये मैच होने वाला सानिया बेयर्स पर्सन आस्का पर्सन रूबी रोड पर्सन लीव मॉर्गन पर्सन नटालिया पर्सन सारा लॉगन के बीच में। और इस मैच में हाईली फेवरेट है सानिया ब्लेजर्स माइनस 1400 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आती है आस्का प्लस 600 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आती है रूबी रोड प्लस 1600 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आती है लीव मॉर्गन प्लस 2000 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आती है नटालिया प्लस 2500 पॉइंट के साथ, फिर लास्ट में आती है सारा लॉगन प्लस 2500 पॉइंट्स के साथ। सो गाइस नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला ड्रू गैलक पर्सन डैनियल ब्रैन के बीच में। और इस मैच में फेवरेट है डैनियल ब्रैन। सो गाइस मेन मैच जो हमें देखने को मिलने वाला जो कि शो के अंदर सबसे अच्छा मैच हो सकता है एजे स्टाइल पर्सन एलिस्टर ब्लैक के बीच में। और इस मैच में गाइस फेवरेट है एलिस्टर ब्लैक माइनस 150 पॉइंट्स के साथ और वहीं एजे स्टाइल को मिले प्लस 110 पॉइंट्स। सो गाइस इस साल का एलिमिनेशन चैम्बर उतना खास तो नहीं होने वाला है क्योंकि इस साल एलिमिनेशन चैम्बर के लिए में कोई भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप ना ही WWE चैंपियनशिप ना ही कोई नंबर वन मेंस कंटेंडर मैच होने वाला है जो कि हमें हर साल देखने को मिलता भी है। लेकिन गाइस इस साल का एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जो बेस्ट मैच हो सकता है वो एजे स्टाइल पर्सन एलिस्टर ब्लैक के बीच में हो सकता है। मे बी हमें अंडरटेकर फिर से आकर एजे स्टाइल या एलिस्टर ब्लैक के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई भी दे जा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा।